सेंटर ऑफ मास के अंदर आपके पास जो पहला पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट मासेस गिवन है, सिर्फ पॉइंट, कोई मैं ये नहीं कह रहा कि रॉड गिवन है, कोई डिस्क गिवन है, कोई फेयर गिवन है, मैं ही बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ पॉइंट मासेस हैं, तो मान लो दो पॉइंट मासेस हैं m1 m2 जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 x2, y2 और इसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, तो x सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला m1x1 m2x2 बाय m1+m2 है। और उसी तरीके से y सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला m1y1 + m2y2 बाय m1+m2 है। और अगर आपका क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में गिवन है, r वेक्टर की फॉर्म में, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर की फॉर्म में, तो उस केस में आपका r वेक्टर क्या बनेगा, m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1+m2 है। तो मतलब कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो कोऑर्डिनेट्स में आंसर आएगा, पोजीशन वेक्टर गिवन है तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में आंसर आएगा। ठीक, ये पहला पॉइंट है। और ये अगर पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल दो से ज़्यादा हैं तो भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसको, इसके अंदर अगर हम क्वेश्चन देखें तो जैसे 1 kg का मास है जिसके ये कोऑर्डिनेट है, 2 kg का ये कोऑर्डिनेट है, तो x और y सेंटर ऑफ मास निकाल लो, तो आपको पता ही है वो x1 y1 x2 y2 और m1 m2 बन जाएगा। आप सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेना, आपके पास आंसर आएगा। और इसी तरीके से अगर आपको m1 m2 गिवन है और आपको r1 वेक्टर r2 वेक्टर गिवन है, आपको r सेंटर ऑफ मास वेक्टर निकालना है, तो m1 r1 वेक्टर, m2 r2 वेक्टर बाय m1+m2 आ जाएगा, आपके पास की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरी थ्योरी का कॉन्सेप्ट या ये पूरा कॉन्सेप्ट एक चीज़ बताता है कि अगर आपके पास सपोज कोई भी, मान लो कोई भी एक सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है, जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, आइसोलेटेड है, तो उसके अंदर देखो, तो उसके अंदर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो फोर्स है, अगर मैं बोलूँ फोर्स निकालो, आप बोलेंगे d/dt ऑफ, मान लो एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m1 पार्टिकल मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v1 वेक्टर, m2 मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v2 वेक्टर, और ऐसी बहुत सारे पार्टिकल मूव कर जा रहे हैं विद vn वेक्टर। लेकिन इतने सारे मासेस को हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, हम पूरे सिस्टम का क्या ले लेते हैं, मतलब ऐसा करने की बजाय हम ऐसा करते हैं, पूरे सिस्टम का मास ले लेते हैं और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं। तो मतलब इंडिविजुअली अगर आपको फोर्स निकालनी है तो भी आ जाएगी, और अगर आपको फोर्स क्या निकालनी है, इंडिविजुअल की जगह पूरी बॉडी पे एक ही मास पे लगानी है, तो आप सेंटर ऑफ मास पे लगा दें, बात एक ही है, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब अगर एक्सटर्नल फोर्स ऐसे सिस्टम पे जीरो है, मान लो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मास तो वैसे ही जीरो से कट गया, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो जीरो आएगा, या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ये पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास या तो रेस्ट पे रहेगा, और अगर रेस्ट पे नहीं है, मोशन में, तो मोशन में ही रहेगा। इसका एग्जांपल ऐसा है कि अगर आपके पास एक बॉम्ब है, बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया, अब बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास एक्सप्लोजन से पहले किस पे था, जीरो, रेस्ट पे था। बॉम्ब के टुकड़े ऐसे होंगे, m1 v1 m2 v2 ऐसे टुकड़े होंगे कि सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पे था, सेंटर ऑफ मास अब भी किस पे आएगा, रेस्ट पे ही आएगा। तो अगर बॉम्ब पहले मूव नहीं कर रहा था तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा था, बाद में भी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। और उसी तरीके से अगर कोई प्रोजेक्टाइल की तरह बॉडी को प्रोजेक्ट करे कुछ इस तरीके से, और सेंटर ऑफ मास कैसे जाए, सेंटर ऑफ मास इस तरीके से मूव करे, तो अगर सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा था, और अगर ये बॉम्ब भी फट जाता है, अब चाहे यहाँ कुछ भी नहीं जाएगा, पर आपने यही बोलना है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा, चाहे वहाँ एक्चुअल में कुछ ना चाहे। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इसको यूज़ करने के लिए भी बताऊँगा इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखूँ, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है m1 v1 + m2 v2 अपॉन m1+m2। ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है, आप कर सकते हो। और एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला भी वैलिड है, m1 इंटू a1 वेक्टर प्लस m2 इंटू a2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1+m2।
तो जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ जो है एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, वाई कोऑर्डिनेट आएगा, आर वेक्टर आएगा, ऐसे वी वेक्टर और ए वेक्टर भी आएंगे। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं और आज इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं। थ्योरी में इतना ही है बस, अब इसकी एप्लीकेशन है। तो जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल अभी बता दिए, न्यूमेरिकल में इसकी एप्लीकेशन बताई मैंने, जैसे ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, लेकिन पता नहीं आ भी सकती है, बड़ी बात नहीं है। एचसीएल मॉलिक्यूल है, एक एचसीएल मॉलिक्यूल में आपको गिवन है कि हाइड्रोजन का मास एम है, क्लोरीन का मास 35.5 टाइम एम है। तो वो पूछ रहा है कि और इनके बीच में डिस्टेंस आपको गिवन है आर या जो भी गिवन है, इसमें कितने एंगस्ट्रॉम है, 1.27 एंगस्ट्रॉम गिवन है। आपको बताया सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मास बड़ा है, यहाँ पर मास छोटा है, बड़े मास की तरफ होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप एक ओरिजिन लेते हैं, मान लें आपका ओरिजिन हाइड्रोजन पे है 0.0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 1.27.0, और मान लो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है, x.0। अब ये बन गया एम वन, ये बन गया एम टू, ये बन गया एक्स वन, ये बन गया वाई वन, सॉरी ये बन गया एक्स वन, ये बन गया वाई वन, ये बन गया एक्स टू, ये बन गया वाई टू, और ये एक्स सेंटर ऑफ मास बाय सेंटर ऑफ मास। तो आप लगाओ फॉर्मूला, तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो हमें निकालना है, एक्स पहला पार्टिकल एम है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, दूसरा पार्टिकल 35.5 टाइम एम है और कोऑर्डिनेट क्या है 1.27 अपॉन एम वन प्लस एम टू, सॉल्व करके एक्स आ जाएगा आंसर। मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम है, ये पॉइंट मासेज हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको क्या करना पड़ता है, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ता है और किसी ना किसी चीज़ को ओरिजिन लेना पड़ता है। सिर्फ यही नहीं, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि तीन स्फीयर पड़े हुए हैं इकट्ठे ट्रायंगल फॉर्म में, मीन्स ट्रायंगल बनाए हुए हैं, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालो, तो हर का रेडियस आर 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 है, तो आपका डायग्राम ऐसा बनता है सबको ज्वाइन करके, और आप इस कोने को ओरिजिन मान लें, इसे अगर ओरिजिन मानेंगे तो ये कोना 2r.0 हो जाएगा। आप मैथ्स लगा के आपको पता है ये आर है तो ये भी आर हो गया। आप ये 60 डिग्री के हिसाब से ये वाई डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एम 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 तो सेम ही रहेगा, हर बॉल का मास तो उसके सेंटर ऑफ मास पे रहेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे रहेगा, और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे रहेगा। तीनों का सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो तीनों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकालने का ये तरीका है, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। ऐसे ही आपने एक्स में लगाना है और ऐसे ही फॉर्मूला आपने वाई में भी लगा देना है। इस ये पॉइंट मासेस के क्वेश्चन है, इनमें ना कुछ ज़्यादा चक्कर नहीं है, इसमें एम वन एक्स वन का आंसर आता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आज हम करेंगे जो पॉइंट मासेस के ऊपर बेस्ड नहीं है। जो किसके ऊपर बेस्ड हैं, जो बेस्ड हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि या तो मास जो है वो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसी बॉडी में, और किसी में एरिया वाइज होता है, और किसी में वॉल्यूम वाइज होता है। तो इसके अंदर जो मास है वो जैसे लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए हम एक डेंसिटी यूज़ करते हैं जिसको लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं, लैम्डा, जो कि एम बाई एल है। डिस्क जैसी बॉडीज में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम क्या यूज़ करते हैं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब है मास अपॉन उसका एरिया, कितना मास कितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अगर वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या यूज़ करते हैं, रो, मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम में एक शीट है और एक डिस्क है, आपको इनके डायमेंशंस गिवन है। अब शीट और डिस्क दोनों ऐसी बॉडीज हैं जिसमें मास एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो तुम्हें इसका मास तो गिवन नहीं, पर तुम्हें सिग्मा गिवन है, सिग्मा दोनों के लिए सेम है, तो आप इसका एरिया निकाल लें एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दें, सिग्मा का मतलब है मास बाय एरिया, को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मास आ जाएगा, और सर्कल का एरिया निकाल लें, सर्कल के एरिया से सिग्मा को मल्टीप्लाई, सर्कल का मास आ गया, डिस्क का मास आ गया। ये मासेस कहाँ पर पड़े हुए हैं, इनके सेंटर पे। तुम्हें इन पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास। तो ये कोऑर्डिनेट मान लें 0.0, और ये एल, ये एल बाई टू, ये एल बाई टू, तो ये ऑटोमेटिकली एल कॉमा जीरो आ जाएगा। तो अब आपके पास एम एक्स वन वाई वन पता है, एक्स टू वाई टू पता है, एम वन एम टू पता है, तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट से आंसर आ जाएगा। तो मतलब जिन क्वेश्चन में मासेज नहीं गिवन, वहाँ पर सिग्मा या लैम्डा को यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर ये याद रखना, जैसे वो कह रहा है कि आपको दो मासेस गिवन है, इक्वल है, वेलोसिटी वेक्टर एक्सीलरेशन वेक्टर भी गिवन है आपको। क्वेश्चन में ये बता रहा है कि ये प्रूव करो, वैसे ऑप्शन आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा कि सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या सर्कल में मूव कर रहा है, इस डेटा को देखते हुए बताओ। तो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास वी वन वी टू है, एम वन एम टू बराबर है, तो तुम वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास निकाल लो। चलो मान लो तुमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वेक्टर निकाल लिया,
फिर ऐसे ही तुम्हारे पास A1 वेक्टर A2 वेक्टर भी है, तो तुम एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास निकाल लो, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास भी आ गया। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि दिख रहा है आई कैप का जे कैप डायरेक्शन सेम है, तो दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। और अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर ऐसे आते कि वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे होते, तो आप क्या बोलते, दे आर मूविंग इन अ सर्कल। तो याद रखना, अगर एक्सेलेरेशन वेलोसिटी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सर्कल है, और अगर परपेंडिकुलर है तो सर्कल है। तो ऐसे आपने इसको देखना है। जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम है, इसके अंदर मान लो M1 M2 है, पुली सिस्टम हमने किया था, एक्सेलेरेशन ए ऊपर जाने की नीचे जाने की हमें मालूम है, तुम्हें क्या निकालना है इसमें, एक्सेलेरेशन निकालनी है हमें, आती है लॉ ऑफ मोशन हमने निकाल दी, पर तुम्हें एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है। अब सेंटर ऑफ मास के एक्सेलेरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, M1 A1 वेक्टर M2 A2 वेक्टर बाय M1 + M2। एक बार ए वेक्टर को नेगेटिव पुट करेंगे और दूसरे ब्लॉक के लिए पॉजिटिव, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, तो एक कॉमन आएगा तो ये टर्म आएगी, इस ए को यहाँ से यहाँ पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये फॉर्मूला है, अगर पुली सिस्टम में दो मासेस हैं, एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला याद रखेंगे, M2 - M1, M2 + M1 का स्क्वायर इनटू g। ठीक, तो इसी तरह ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ से आंसर आएगा एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। नेक्स्ट है इसमें, ये तो कोऑर्डिनेट सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये इसका शॉर्टकट करवाऊंगा मैं कैसे करना है। तो जैसे ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एक रॉड है जिसका मास पॉइंट मास तो होता नहीं है ना, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो पॉइंट मासेस पे थे। आपको क्या देगा, आपको एक रॉड देगा और कहेगा मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा जो है लीनियर मास डेंसिटी है, एक्स के साथ लैम्डा बढ़ता जा रहा है, एक्स के साथ लैम्डा बढ़ता जा रहा है, तो मैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है। तो जिनमें लैम्डा सिग्मा रो मास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो और पॉइंट मासेस ना गिवन हो, तो वहां सेंटर ऑफ मास निकालने का ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन से फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और इसी वाई सेंटर ऑफ मास का इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बाई इंटू वाई बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। लेकिन ये तब लगेगा जब पॉइंट मासेस नहीं गिवन, आपको लैम्डा जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, मतलब डिस्टेंस के साथ लैम्डा चेंज हो रहा है, डिस्टेंस के साथ सिग्मा चेंज हो रहा है या रो चेंज हो रहा है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ये फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है आज हम लेक्चर में देखेंगे। तो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में ये रहा गिवन है, आपको लैम्डा दे रहा है कितना, के एक्स स्क्वायर बाई एल, लैम्डा का मतलब जो आपका मास है वो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप एक काम कर लेना, आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेना, जब भी एक रॉड का केस आता है, रॉड के केस में डायग्राम ही एक बनता है, सबसे पहले रॉड का स्मॉल एलिमेंट लिया जाता है, रॉड का स्मॉल मास लिया जाता है, रॉड की जो लेंथ है वो 0 से L तक होती है, और ये एलिमेंट कितनी दूरी पे लिया जाता है, एक्स पे। तो अगर ये एक्स डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट है, तो पहला काम क्या होता है, पहला काम है कि आप रॉड में क्या निकाल लें, डीएम निकाल लें। तो रॉड की डीएम की वैल्यू निकालेंगे। अब रॉड के अंदर डीएम की वैल्यू कैसे निकलेगी, लैम्डा को इस स्मॉल मास एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। स्मॉल लेंथ कितनी है, डीएक्स है, लैम्डा का मतलब मास अपॉन लेंथ है, तो अगर आप लैम्डा को डीएक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डीएम आएगा। तो आपको लैम्डा तो पता ही है, तो यहां पर डीएम की वैल्यू उठाओ और यहां ऊपर नीचे दोनों जगह पुट कर दो। आप के को के से काट सकते हो, एल को एल से काट सकते हो, एक्स को एक्स से नहीं काट सकते, क्योंकि यहां एक्स की क्या चलनी है, इंटीग्रेशन। तो 0 से L तक ऊपर नीचे इंटीग्रेट करो और इंटीग्रेशन करके आंसर आएगा। मतलब हर क्वेश्चन में आपको ये तो करना ही पड़ेगा, रॉड में अगर लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तो लैम्डा डीएक्स कर दें और लैम्डा की वैल्यू पुट करके डीएम निकाल लें। ये फॉर्मूला लगना ही लगना है रॉड वाले केस में, तो ये फॉर्मूला लगना ही लगना है, और लैम्डा वो चेंज करता जाएगा, हर तीसरे क्वेश्चन में लैम्डा को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देता जाएगा, और डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी और डिफरेंट एक्स की वैल्यू आती जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को कैसे करना है इसमें? जैसे अभी करेंगे और भी करेंगे इसमें, जैसे सपोज और कोई क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर सॉलिड हेमीस्फेयर है, सीधा फॉर्मूला मार्क करना होता है, सॉलिड हेमीस्फेयर है, अंदर भरा हुआ है, उल्टा करके रखा हुआ है,
तो इसका सेंट्रल मास बेस से कितनी हाइट पे आपको दिखाई देगा, तो आंसर है 3r/8। जैसे आपके पास एक हाफ रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, सेंट्रल मास कहाँ लाई करेगा, 2r/π। जैसे सपोज आपके पास सॉलिड कोन है, सॉलिड है, कोन का सेंट्रल मास जमीन से कहाँ लाई करेगा, h/4। वो जानबूझ के ग्राउंड की बजाय वो वर्टेक्स से पूछ लेता है, तो h-h/4, 3h/4 फ्रॉम वर्टेक्स। वो हॉलो कोन है तो आंसर आएगा h/3। ऐसी आपके पास हाफ डिस्क आएगी तो आंसर आएगा 4r/3π, और हॉलो हेमिस्फेयर के अंदर r/2। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंस और नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ फॉर्मूला मार्क करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। नेक्स्ट है, एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, और प्रोजेक्ट किया 100 m/s के साथ 37° एंगल पर, तो अगर नाप फटता तो प्रोजेक्टाइल आर डिस्टेंस पर गिर जाता, जिसको रेंज बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल फट गया, प्रोजेक्टाइल फटा तो उसके दो टुकड़े हो गए, और दो टुकड़े में उसका मास क्या हुआ, m और 3m मास हो गया, एक m हो गया, एक 3m हो गया, और स्मॉलर वन ड्रॉप्स, स्मॉलर वन फट के नीचे गिर गया, बिल्कुल सीधा आगे गया ही नहीं, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे गिर गया, तो बताओ दूसरा पार्टिकल कहाँ गया, ये क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का बम फटे या ना फटे, सेंटर ऑफ मास तो पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा, तो अगर सेंटर ऑफ मास पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, जो कि यही पाथ फॉलो करेगा और आर डिस्टेंस पे ही जाके गिरेगा, और तो अगर एक टुकड़ा यहाँ गिरा तो दूसरे को तो दूर गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में गिरने वाला है, तो दूसरे पार्टिकल यहाँ नहीं गिर सकता ना, क्योंकि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बाहर नहीं जा सकता, तो ये पाथ और ये पाथ का सेंटर ऑफ मास इनके बीच में कहीं रहने वाला है। तो मान लो ये पार्टिकल कहाँ पे गिरा, एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे गिरा, बहुत दूर जाके गिरा, एक्स पे गिरा, तो जो सेंटर ऑफ मास है उसकी आर की वैल्यू निकाल के रख लो, सेंटर ऑफ मास तो आर डिस्टेंस पे गिरेगा, दैट इज़ वी स्क्वेयर साइन ऑफ 2θ/g, साइन ऑफ 2θ, 2sin θ, cos θ, और साइन 37 होता है 3/5, 37 होता है 4/5, सॉल्व करके 960 आ गया मान लो, तो सेंटर ऑफ मास तो 960 पे गिरा। तो एक काम करो, अब आप इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, इसको ओरिजिन मान लो, और आपको x निकालना है, तो x एक्सिस के अंदर वो देखो क्या हुआ, x एक्सिस में सेंट्रो मास 960 डिस्टेंस से कवर करना है, बात ही खत्म। जो पहला पार्टिकल m है वो ड्रॉप हो गया, ड्रॉप कहाँ पे हुआ, रेंज 960 है, 960 का आधा कितना होता है 480, मिड पॉइंट पे, रेंज के मिड पॉइंट पे गिरेगा वो, तो 480, और तो बड़े वाला पार्टिकल कहाँ पे गिरा, x पे अपॉन टोटल मास, यहाँ सॉल्व करके m x निकाल लो आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, सेंटर ऑफ मास तो आर डिस्टेंस ही कवर करेगा, तो एक करेगा 480, एक करेगा x, वहाँ से सॉल्व करके आंसर आएगा। ये मैंने फिगर बताई दी आपको सेम। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक शॉर्टकट याद रखेंगे कि अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं m1 एंड m2, और दो पार्टिकल्स कहाँ पर है, x1 x2 पे हैं, रेस्ट पे पड़े हुए हैं, और इनका सेंटर ऑफ मास ये रहा, और क्योंकि दोनों के मासेस डिफरेंट हैं तो दोनों का सेंटर ऑफ मास भी अलग अलग दूरी पे है। अगर मान लो m1 और m2 थोड़े पास आ जाते हैं, मान लो क्वेश्चन में वो कहेगा कि जो m2 है या m1 है वो d पास आ गया सेंटर ऑफ मास के, तो बताओ m2 कितना पास आए ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन चेंज ना करे, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्टकट याद करो, शॉर्टकट है m1 × d = m2 × d', मतलब m1 अगर d डिस्टेंस पास आ रहा है तो m2 d' पास आएगा, इनका प्रोडक्ट हमेशा विल रिमेन सेम, तो सीधा शॉर्टकट मारेंगे आंसर आएगा, लंबा प्रूफ कौन ही देखेगा उसमें, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन में आ जाता है कि एक मैन है 4 kg, एक 6 kg है, 4 kg 2 m पास आया, तो बोलो 6 kg कितना पास आया, ताकि सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो, तो ये फॉर्मूला है, ठीक। तो ये फॉर्मूले को वो ऑब्जेक्टिव में देखेंगे, आता नहीं है नेगेटिव के साथ, नहीं आता ये, तो फिर तो देखना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्टिव में माइनस साइन गिवन है तो माइनस देखना पड़ेगा, और अगर नहीं, ज़्यादातर गिवन नहीं होता, मैग्नीट्यूड ही गिवन होता है, ठीक। तो ये आपका ये केस है। इसके बाद जो है ये रहा, इसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है रादर, ये फॉर्मूलाज को नोट करेंगे कि अगर मैंने एक डिस्क में से एक डिस्क काट के फेंक दी, मान लो एक डिस्क है, और मान लो जैसे ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, और डिस्क का जो एरिया है वो a1 है, और मैंने इसमें से डिस्क काट के फेंक दी जिसका एरिया a2 है, तो अगर ये ओरिजिन है
ओरिजिन से इस डिस्क का सेंटर का पोजीशन वेक्टर आर वन वेक्टर है, और उसी तरीके से इसका पोजीशन वेक्टर आर टू वेक्टर है, क्योंकि ये सिस्टम हट गया, फेंक दिया, तो बचा हुआ सेंटर ऑफ मास कहीं नया पोजीशन अक्वायर कर लेगा बच्चा, क्योंकि नया सेंटर ऑफ मास तो कहीं लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो वो कहाँ शिफ्ट होगा, ये फॉर्मूला नोट कर लें, ए वन आर वन वैक्टर माइनस ए टू आर टू वैक्टर बाई ए वन माइनस ए टू, या एम वन आर वन वैक्टर माइनस एम टू आर टू वैक्टर बाई एम वन माइनस एम टू, और ऐसे वाई कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, ये आप नोट कर लें प्लीज़, ये नोट कर लें, ये बहुत काम की चीज़ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं कि जिसके अंदर काट पीट बहुत चलती है कि डिस्क में से डिस्क काट दिया, स्फीयर में से स्फीयर काट दिया, एक लैमिना में से लैमिना काट दिया, आते हैं क्वेश्चन। मतलब एक बड़ी डिस्क है, बड़ी डिस्क का एरिया ए वन है, उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आर वन है, एक छोटी डिस्क है उसका एरिया ए टू है, उसका अपना सेंटर ऑफ मास होगा आर टू पे, तो आपने काट के फेंक दिया, तो नया सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो, तो ये नई शिफ्ट के पॉइंट हैं, नई शिफ्टिंग के पॉइंट हैं, तो यहाँ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा या सर ना ना किसी के लिए भी फॉर एनी फिगर। डिस्क कटिंग कुछ भी फिगर जिसमें कट करते हैं इसको, अभी लगा के दिखाता हूँ कैसे लगेगा, एक सेकंड में आंसर आएगा देखना। अभी फॉर्मूला नोट कर लो, मैं अभी दिखाता हूँ कि लगाना कैसे है, ये कि इंपॉर्टेंट तो लगाना है ना, लगाना कैसे है वो देखना है। ठीक है ना, तो जैसे सपोज क्वेश्चन है, ये एक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें से एक छोटी डिस्क जिसका डायमीटर ए है या रेडियस ए बाई टू है, बड़े का रेडियस ए है छोटे का ए बाई टू है, काट के फेंक दिया, तो बड़े का एरिया ए वन क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, छोटे का रेडियस ए बाई टू है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू ए बाई टू का स्क्वायर। ठीक, बड़े वाले का कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो जीरो कॉमा जीरो, मान लो इसको ओरिजिन मान लेते हैं, तो जब ये डिस्क को नहीं काटा था तो बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे था, तो कोऑर्डिनेट क्या था, जीरो कॉमा जीरो, और छोटे वाले डिस्क का कोऑर्डिनेट सेंटर है ए बाई टू कॉमा जीरो, देख रहे हो, तो एक्स वन वाई वन आ गया, एक्स टू बाई टू आ गया, दोनों डिस्क का बड़ी और छोटी का सेंटर ऑफ मास आ गया, लगा दो फॉर्मूला, जब काट के फेंक दोगे तो नया सेंटर ऑफ मास फिगर का क्या होगा, लगाएं फॉर्मूला, तो ए वन एरिया पता है बड़े वाले का और कोऑर्डिनेट क्या था उसका, जीरो, ए टू छोटे वाले डिस्क का पता है और उसका कोऑर्डिनेट क्या था, ए बाई टू, ए वन माइनस ए टू, माइनस साइन का मतलब क्योंकि आपका ओरिजिन यहाँ पे था और आप लेफ्ट की तरफ सेंटर मास शिफ्ट हो गया, तो इसलिए माइनस आ रहा है। आपने बड़ी डिस्क लेनी है उसका एरिया, उसका तो सेंटर को सेंटर ऑफ मास जीरो कॉमा जीरो ही मान लो, और एक छोटी डिस्क है, और जो छोटी डिस्क है उसका कोऑर्डिनेट निकाल लेना, वैल्यू पुट करना, आंसर आएगा। अब जैसे एक नया क्वेश्चन है, वो कह रहे एक डिस्क है, डिस्क में से इस डिस्क को काट दिया, काट के बाहर नहीं फेंका, इस पे रख दिया, ये काटा नहीं है, उल्टा इसको यहाँ रख दिया, अब नया सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो इसके अंदर अब क्या करना है, पूरी डिस्क का मास अगर m है, जो काटी हुई डिस्क है इसका मास m बाई फोर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखो ना पूरी डिस्क का मास m है तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, जो डिस्क काट के रख रहे हैं उसका रेडियस क्या है, r बाई टू, तो इसको पाई इंटू आर बाई टू से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, इसका मास m बाई फोर, ये पॉइंट क्लियर है। तो अब इसमें शुरू करते हैं, टोटल मास कितना है, एम, जब कुछ भी काटा नहीं था तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था, जीरो, तो एम इंटू जीरो, फिर इसको बाहर निकाल दिया, जब बाहर निकलता है तो साइन क्या आता है, माइनस, कितने मास को बाहर निकाला, एम बाई फोर, और जिसका कोऑर्डिनेट क्या था, माइनस आर बाई टू, क्योंकि ये जीरो कॉमा जीरो, तो प्लस आर बाई टू, माइनस आर बाई टू, माइनस आर बाई टू, फिर उसको काट के इस पे रख दिया, जब इसको काट के रखा तो ये क्या आ गया, एम बाई फोर इंटू आर बाई टू,
डिवाइडेड बाय टोटल मास में से माइनस एम बाय फोर काट के निकाला, फिर रख भी दिया। देखो रखा तो प्लस काटा तो माइनस। आंसर जितना मर्जी काटते जाओ रखते जाओ, रखते जाओगे तो प्लस करते जाना, काटते जाना एरिया तो माइनस करते जाना। आंसर तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे क्या रूल लगेगा इसमें। वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बट पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है। उस टाइप की प्रॉब्लम तो बहुत आती है, आज हम पीवाई के अंदर डिस्कस भी करेंगे उसे। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट इसमें? इसको यूज़ करके देखेंगे तब समझ में आएगा।